नमस्कार, मैं हूं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट से। झालावाड़ जिले में तेंदुए ने किसान पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ किसान। ग्रामीणों में फैली दहशत, ग्रामीणों ने पथराव कर तेंदुए को भगाया। वन विभाग की टीम लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करने की कर रही कोशिश। सिरियासर कला में सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला, भाजपा कार्यकर्ताओं ने सदर थाने के सामने किया प्रदर्शन। आरोपी युवक जावेद पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग, पुलिस ने आरोपी युवक को शांति भंग में किया गिरफ्तार। ग्राम के एक व्यक्ति जावेद के द्वारा इंस्टाग्राम पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट डाली गई है, टिप्पणी की गई है, जिससे विभिन्न हिंदू संगठनों की भावनाओं को आहत करने का कार्य उसके द्वारा किया गया है। झुंझुनू बहुत ही शांतिपूर्ण जिला है, इसकी शांति को भंग करने का कार्य जो जावेद और जावेद जैसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और हम अभी सदर थाने के अंदर आए हैं, यहाँ पर 151 में उसे बंद किया गया है। हम ये चाहते हैं कि विभिन्न सख्त से सख्त धाराओं के अंदर उसके खिलाफ कार्यवाही हो और ऐसे लोगों को एक सबक मिले कि हिंदू समाज इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी उसके खिलाफ किसी प्रकार की भी टिप्पणी कर दे। रेडीमेड गारमेंट की दुकान में बदमाशों द्वारा आगजनी करने का मामला, पूर्व यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत के नेतृत्व में ग्रामीणों और व्यापारियों ने डीएसपी सुनील जाखड़ को सौंपा ज्ञापन। अपराधियों को पकड़ने की रखी मांग। ये बड़े संगीन किस्म के केस होते हैं और मानसूर विधानसभा क्षेत्र में इन अपराधों की बाढ़ आई, चाहे अवैध हथियार हो, चाहे कहीं कोई आगजनी की घटना हो या किसी को डराना हो, और छोटे घटनाएं उनका तो कोई अंत पार ही। कुल मिलाकर अपराधियों का हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण कहीं कहीं से मिलता है या उनको प्रोटेक्शन होता है, तभी अपराधी इस सीमा से होते हैं। लेकिन मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से ये कहना है, सभी 36 कौम के हमारे अभिभावकों से ये कहना है कि जितना वो केयर अपनी बच्चियों की करते हैं उतना अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। नहीं तो आज छोटे अपराध में बच्चा गया, चाहे वो किसी भी जात किसी भी समाज का हो, वो बड़े क्राइम की तरफ जाता है और जो अपने माता पिता के पुण्य उनको खत्म करके और उनके दुख का कारण बनता है। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी द्वारा अमर पैलेस में कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। 18 जून को होने वाली महारैली के आयोजन को लेकर की गई चर्चा। महारैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारियां। सम्मेलन में पंजाब सरकार के मंत्री व विधायक भी हुए शामिल। 18 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आएंगे श्रीगंगानगर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को रहेंगे कोटपुतली दौरे पर। सीएम गहलोत महंगाई राहत शिविर का अवलोकन कर ग्रामीणों से होंगे रूबरू। सीएम गहलोत कोटपुतली में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास व लोकार्पण। राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले की मूर्ति का भी करेंगे अनावरण। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन जुटा तैयारियों में। राज्य सरकार द्वारा घोषित डीडवाना कुचामन जिले का जिला मुख्यालय को लेकर संशय की स्थिति। डीडवाना में संघर्ष समिति का आंदोलन लगातार जारी। गुरुवार को डीडवाना शहर के बाजार हुए बंद। समस्त व्यापार मंडलों और सामाजिक संगठनों ने भी दिया समर्थन। डीडवाना को जिला बनाने की हमारी एक मांग है, जो कि अभी साहब ने कहा कि 40 साल पुरानी है। डीडवाना हर तरह से परिपक्व है वो जिला बनने के लिए, तो सरकार उस चीज में ढील क्यों कर रही है? जब सभी को जिला घोषित कर दिया गया है तो डीडवाना के साथ कुचामन को जोड़ के डीडवाना के जितने वासी है, डीडवाना के आसपास में जो गांव है उनके जितने भी लोग हैं, उनको हताशा हाथ लगी है और ये हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। हम सरपंच संघ सभी पार्टियों के यहाँ पे लोग भी है, सभी आमजन भी है। आज डीडवाना संपूर्ण तरीके से बंद है, हमारा समर्थन कर रहा है और आज हम यहाँ एक ज्ञापन देने आए हैं, सभी शांतिपूर्वक ज्ञापन देने आए हैं कि डीडवाना को जिला बनाया जाए, वो घोषित किया जाए, ये हमारा शांति का रूप है। देखिए, डीडवाना जिला मुख्यालय की हमारी मांग आज की नहीं है, 40 साल पुरानी मांग है और 1996 में हमारा जिला बनते बनते रह गया। लेकिन 40 साल से लगातार यदि राजस्थान में कोई पहला हक रखता है जिला बनने का तो वो डीडवाना रखता है। पहली बात तो 19 जिलों कि एक साथ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उस घोषणा के अंदर हमारे साथ में कुचामन को जोड़ करके ये संशय पैदा कर दिया है कि आखिर डीडवाना बनेगा या कुचामन बनेगा। नागौर पुलिस की हिरासत में दलित युवक राजू बावरी की संदेहास्पद हालातों में हुई मृत्यु का मामला। मामले में तीसरे दिन हुआ समझौता, मृतक के परिवारजनों ने उठाया शव। आरएलपी विधायक इंदिरा बावरी, विधायक पुखराज गर्ग ने की प्रेस वार्ता, राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। मैं जवाब दे देता हूं, प्रशासनिक जांच और न्यायिक जांच विस्तृत रूप से की जाएगी, जुडिशियल इंक्वायरी भी इसमें
चालू की जा चुकी है वो भी होगी, और साथ ही साथ प्रशासनिक तौर पर वरिष्ठ सीनियर आईएएस अधिकारी के रूप में मैं इसकी जांच करने के मुझे अभी संकेत किए गए हैं, आदेश अभी आया नहीं है। आदेश आ जाएगा तो या तो डिवीजन कमिश्नर अजमेर जांच करेंगे, या अभी तक जो कहा गया है कि डीसी बीकानेर जांच करेंगे, तो मैं इसकी जांच करूंगा। कोटा में हनी ट्रैप के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने कपड़ा व्यापारी का वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 1,00,000 रुपए की करी थी मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को बताया बेमिसाल, केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को बताया आमजन हितैषी, कहा पूरे विश्व में भारत की ताकत बढ़ी। देखिए केंद्र सरकार के ऐतिहासिक 9 वर्ष जिसमें सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के ध्येय के साथ इस सरकार ने 9 वर्षों में जो किया है उन 60 वर्षों तक पुरानी कोई सरकार नहीं कर पाई। देश की सीमा को सुरक्षित रखना हो, चाहे सेना का मनोबल बढ़ाना हो, चाहे दुनिया में भारत का वैभव बढ़ाना हो, शिक्षा चिकित्सा रेलवे हाईवे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे युवाओं को सपनों से जोड़ना हो, चाहे फाइबर कनेक्टिविटी हो, चाहे आध्यात्मिक कनेक्टिविटी हो, इस देश में पिछले 9 वर्षों में बहुत ऐतिहासिक काम हुए। बिग बॉस फेम डांसर गौरी नागौरी पहुंची अजमेर न्यायालय, अपने साथ मारपीट मामले में बयान देने पहुंची न्यायालय, बहन के ससुराल पक्ष पर लगाया था मारपीट का आरोप, बाउंसर और पुलिस की मौजूदगी में पहुंची न्यायालय। मामला तो आप सबको वैसे भी पहले से ही पता है, क्योंकि आपको सब पता है कि पहले से ही वो चल रहा था कि वो मेरी शादी जो भी थी 22 मई की, उसमें जो लड़ाई वगैरह हुई उसकी कार्रवाई चल रही है। तो मेरे आज 12 बजे बयान है, और तो मैं वेट कर रही हूँ उनका, और आप सब मेरा मतलब वेट कर रहे थे मीडिया, तो मैंने कहा चलो आपसे मिलना पहले ज़रूरी है, और अभी मेरे बयान हुए नहीं है तो बहुत जल्द होने वाले हैं, और थैंक यू आप सब इतना सपोर्ट करते हो मुझे, और आपके पीछे ही मैं हूँ। श्रीगंगानगर तपोवन ट्रस्ट द्वारा शुरू की जा रही एक नई मुहिम, तपोवन आश्रम में बेघर वृद्धजन कामकाजी महिलाओं एवं असहाय महिलाओं को मिलेगा आवासीय सहारा। 11 जून 2023 को जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी करेंगे आश्रम का शुभारंभ। कोटा में गुर्जर समाज व ग्रामीणों ने निकाली रैली, पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। एसपी शरद चौधरी को सौंपा ज्ञापन, मामले में पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शहर के नजदीक सुखाड़िया नगर में चौकीदार की मिली लाश, हत्या का जताया जा रहा अंदेशा, घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल, पुलिस कर रही मामले की जाँच। हम आए थे देवापड़ा के परिवार के लोगों ने एक ही परिवार पर 4-5 बार हमला बोला है, 4-5 को हाथ पैर तोड़ दिए उनके, और उनको पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर दिया, बाकी 4-5 आदमी उनको फरार हैं। कम से कम एक ही परिवार को इनके ऊपर 20-30 केस हैं, 4-5 भाइयों के ऊपर, एक ऊपर 20 केस हैं, एक ऊपर 30 केस हैं। आज हमारे को संतोष मिली है कि एसपी साहब कार्रवाई करेंगे। मंत्रालय कर्मचारियों ने दिया महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के घर धरना, महेश जोशी के घर पहुंचे कर्मचारियों को उठवाकर भेजा गया विद्याधरनगर थाने। तो वहीं आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने दिखाई सहृदयता, खुद चलकर आए कर्मचारियों के पास, न्यायचित मांगों पर समर्थन देने की कही बात। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेश टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।